हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज महेंद्र एंड वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल दैट इज टेक सेंटर। आज के वीडियो का सब पर्पस बहुत ही सिंपल होने वाला है। मैं आपका 7 से 8 मिनट लूंगा और जो आपका डिविडेंड के रिलेटेड टैक्सेबिलिटी होने वाला है असेसमेंट ईयर 21-22 में, जो कि आपके एग्जाम है, उसके लिए बहुत काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुन लेना। साथ साथ में अगर कोई प्रैक्टिकल भी काम करना चाहता है, उसका वीडियो देखना चाहता है, तो ये काम आ जाएगा। बाय प्रोफेशन आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट। सो स्टार्ट करते हैं कि टैक्सेशन ऑफ डिविडेंड फॉर असेसमेंट ईयर 21-22 क्या होगा। अगर आप पढ़ाई करो, ध्यान रखना, ये टॉपिक से कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ पूछा जा सकता है। देखो, 100% तो किसी को नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, मैं फ्यूचर नहीं देखता, पर 90% चांस है इसमें कुछ MCQ या जो बड़े क्वेश्चन होते हैं उसमें एक दो एडजस्टमेंट इसके रिलेटेड पूछा जाएगा। बहुत ही सिंपल चीज़ है, अगर बस 7-8 मिनट दे सकते हो तो आपका ये काम बन जाएगा। अभी सबसे पहले क्या होता था, 1 मिनट के लिए सुन लो, आपको कुछ अप्रिशिएट करोगे बाद में क्या होने वाला है। ये रिलायंस कंपनी है, ये मिस्टर एक्स है, ये रिलायंस कंपनी है, ये मिस्टर एक्स है, ठीक है। रिलायंस कंपनी समझो पहले डिविडेंड दे रहा है 12 लाख रुपए का। किसको 12 लाख रुपए का डिविडेंड दे रहा है? मिस्टर एक्स को दे रहा है। तो पहले क्या होता था, ध्यान से सुनो, ये जो 12 लाख रुपया रिलायंस कंपनी डिविडेंड दे रहा है मिस्टर एक्स को, तो ये 12 लाख रुपए के ऊपर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भरता था 115O में। कौन? रिलायंस लिमिटेड डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भरता था, और मिस्टर एक्स के हाथ में वो चीज़ क्या हो जाती थी? एग्जेम्प्ट हो जाती थी, मतलब इसको कोई टैक्स नहीं देना अंडर सेक्शन 1034। इतना क्लियर है। पर एक और प्रोविजन था जिसको बोला जाता था सेक्शन 115BBDA, जिसमें ऐसा बोला गया था कि अगर कोई मिस्टर एक्स है, मतलब कोई भी शेयर होल्डर है जिसको रेजिडेंट की बात थी, 10 लाख से ऊपर, अभी तो याद रखने की जरूरत नहीं, सुन लो, 10 लाख से ऊपर डिविडेंड मिलता है, कितना? 10 लाख रुपीज से ऊपर डिविडेंड मिलता है, तो 10 लाख के ऊपर का जो पोर्शन है, इन एक्सेस ऑफ रुपीज 10 लाख, यहाँ पे कितना है? 2 लाख, तो उसके ऊपर 10% के हिसाब से ये शेयर होल्डर को टैक्स जमा कराना पड़ता था अंडर सेक्शन 115BBDA। तो अभी सर हमें कोई मतलब नहीं है, अभी क्या होता है वो बताओ। पहले क्या था? DDT था, इसके शेयर होल्डर के हाथ में एग्जेम्प्ट हो जाता था, फिर भी वो टैक्स भरता था अगर 10 लाख से ऊपर डिविडेंड उसको मिल जाए। 10 लाख से ऊपर डिविडेंड किसको बोलते हैं? किसी किसी को मिलता है, तो वो केस की बात है, ठीक है। अभी अभी ये टाइम पे क्या होने वाला है सर, वो बताओ, पुरानी बातों को जाने दो। तो अभी क्या होगा, कंपनी को कोई डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स नहीं भरना, पर इसको क्या करना है? TDS काट लेना है। क्या करना है? TDS काट लेना है। अगर जो शेयर होल्डर है वो रेजिडेंट है तो 194 में TDS काट लो, नॉन रेजिडेंट है तो 195 में TDS काट लो। इंटर के सिलेबस में सिर्फ 194 सेक्शन है। शेयर होल्डर के हाथ में वो जो भी इनकम डिविडेंड का मिलेगा वो नॉर्मल टैक्स स्लैब में ऐड हो जाएगा, मतलब IFRS में जाके सीधा सीधा ऐड हो जाएगा। जितना भी इनकम है एज पर नॉर्मल टैक्स प्रोविजन, नॉर्मल टैक्स रेट क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। अगर वो 115BAC लेता है तो वो रेट में टैक्सेबल हो जाएगा, नॉर्मल टैक्स स्लैब में जाता है, ओल्ड टैक्स रिजीम में जाता है तो वो वाली रेट से टैक्सेबल हो जाएगा, मतलब जितना इनकम है उस हिसाब से टैक्स लग जाएगा। तो सर एक बात बताओ, ये जो TDS कटेगा उसका रेट क्या रहेगा? TDS का रेट रहेगा 10%, सेक्शन 194 में 10% TDS कटेगा, और कोविड रेट जो कि 7.5% है। कोविड रेट क्या है? गवर्नमेंट ने कोरोना वायरस जो आया था उसकी वजह से, वो गवर्नमेंट क्या चाहती है कि लोगों का वर्किंग कैपिटल ब्लॉक ना हो, ज्यादा TDS ना कटे, तो 14 मई 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 के बीच में कोई भी ट्रांजेक्शन होगा, ये केस में कोई भी डिविडेंड दिया जाएगा, तो वो केस में TDS 10% नहीं 7.5% कटेगा। और थ्रेशोल्ड क्या है? 5000, मतलब 5000 से ज्यादा अमाउंट होगा तो TDS काटना है, नहीं तो नहीं काटना। However, tech, अभी ये बताओ सर, देखो पहले क्या होता था ना सर, पहले उसके हाथ में कोई भी चीज एग्जेम्प्ट हो जाती थी, कोई भी तरीके का डिविडेंड मिला। अभी क्या होगा? टैक्सेबल होगा। जब एग्जेम्प्ट था तभी तो उसके खर्चे का कोई सवाल ही नहीं उठता। समझो मैंने डिविडेंड अर्न करने के लिए ब्रोकर को कोई कमीशन पे किया, ब्रोकरेज पे किया, इंटरेस्ट वगैरह कुछ पे किया, तो वो जो खर्चा मैं कर रहा हूँ, पहले तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। क्यों नहीं बोल सकता? मेरी इनकम एग्जेम्प्ट है तो उसके रिलेटेड खर्चे अलाउड होंगे, इन स्पेसिफिक सेक्शंस बोलते हैं इनकम टैक्स के। पर अभी क्या हो रहा है सर, अभी तो वो मेरे हाथ में टैक्सेबल है, तो उसके रिलेटेड खर्चे क्या मेरे को अलाउड होंगे क्या? तो क्या बोला गया है, ध्यान से सुनो, खर्चे सर अलाउड होंगे, पर कितने अलाउड होंगे वो ध्यान से रखो। सबसे पहले सिर्फ इंटरेस्ट का खर्चा अलाउड होगा, उसके अलावा कोई तरीके का एक्सपेंस अलाउड नहीं होगा, सिर्फ इंटरेस्ट का एक्सपेंस जो है अलाउड होगा। हाउएवर टैक्स पेयर मे क्लेम डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंस टू अर्न डिविडेंड, नो अदर एक्सपेंस लाइक कमीशन, रेम्यूनरेशन टू ब्रोकर एटसेट्रा आर अलाउड। सिर्फ इंटरेस्ट अलाउड होगा, उसके अलावा कोई खर्चा अलाउड नहीं होगा। तो सर कितना अलाउड होगा, कितना खर्चा, कितना अलाउड होगा? पूरा करूं जितना मैं 2 लाख 5 लाख खर्चा करता हूं सब कुछ अलाउड होगा। तो इसने क्या बोला, सेक्शन ने साफ साफ बोला, सेक्शन आगे की बात है, मतलब IFRS के टॉपिक की बात है। सेक्शन क्या बोलता है कि खर्चा अलाउड होगा, सबसे पहले क्या ले लो, जितना आपने खर्चा किया उतना पूरा अलाउड कर लेंगे, पर मैक्सिमम कितना करेंगे? मैक्सिमम जितना आपको डिविडेंड मिल रहा है उसका 20% ही खर्चा अलाउड करेंगे।
तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, जो आपका एक्चुअल खर्चा है वो और डिविडेंड जो मिला उसका 20% विच एवर इज लोअर, दोनों में से जो कम अमाउंट है उतना आपको अलाउड हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत ही आसान सा चीज है। आपको डिविडेंड मिला 8 लाख रुपए, अदर इनकम कितना है 3 लाख रुपीज, इंटरेस्ट इसके रिलेटेड खर्चा किया 40,000 रुपया और ब्रोकरेज इसके रिलेटेड पे किया 30,000। ब्रोकरेज का तो कोई अलाउंस होगा ही नहीं, ब्रोकरेज सीधा सीधा रिड्यूस हो जाएगा। इंटरेस्ट मिलेगा, यस मिलेगा, पर कितना मिलेगा? तो देखो, डिविडेंड 8 लाख ले लिया, उसमें से रिडक्शन ऑफ एक्सपेंस, डिविडेंड अमाउंट जो भी था उसका 20% ले लो और 40,000 दोनों में से लोअर, तो 40,000 आपका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा और डिविडेंड इनकम कितना हो जाएगा, 7,60,000 हो जाएगा। तो सर बेसिकली बोलने की बात क्या है, बोलने की बात बड़ी ही सिंपल है, कंपनी को सिर्फ टीडीएस काटना है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स 115 बीबीडीए वगैरह सब सपाट हो गया, अभी कुछ कहीं दुनिया में नहीं है, ठीक है। जो आपका नॉर्मल पर्सन है उसको नॉर्मल स्लैब में टैक्स भरना है। इंटरेस्ट के खर्चे का एडजस्टमेंट पूछ सकता है, एग्जाम में ध्यान रखना है, इंटरेस्ट के खर्चे का एडजस्टमेंट पूछ सकता है, या फिर 3 मार्क्स का स्पेसिफिक क्वेश्चन बन सकता है, या बहुत बड़ा जो क्वेश्चन होता है उसका पार्ट बन सकता है, एमसीक्यू का पार्ट बन सकता है, जिसमें टीडीएस का इंप्लीकेशन भी पूछ लेंगे, इसके हाथ का इंप्लीकेशन पूछ लेंगे विद एक्सपेंस, इंटरेस्ट का भी दे देंगे, बाकी भी दे देंगे, आपको सिर्फ इंटरेस्ट लेना है। इज इट क्लियर? क्लियर है सर? यस। तो होप सो दिस वीडियो, छोटा सा वीडियो था जो कि आपको क्लैरिटी लाया रहेगा कि अभी क्या टैक्सेशन वगैरह हो रहा है। अच्छा लगा तो थम्सअप कर दो, शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब वगैरह कर लेना, और क्या है। चलो बाय बाय।